हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सी के पी डिवीजन का गुड गार्ड का क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। यदि इसमें से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, और जो भी बंदे देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है दो चार क्वेश्चन गलत हो और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्या हुआ है, एस डब्ल्यू आर में जी आर के अनुसार ट्रेनों को लाइन क्लियर देने या शंटिंग मोमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पैनल पर स्टेशन मास्टर होता है, वो जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन यातायात खाते में नहीं आती है? तो टावर वैगन नहीं आती, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। टावर वैगन नहीं आती, मेल एक्सप्रेस, पार्सल ट्रेन और कंटेनर ये सब आते हैं, टावर वैगन नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन यातायात खाते में नहीं आती है? तो टावर वैगन नहीं आता है, मेल एक्सप्रेस, पार्सल ट्रेन, कंटेनर आते हैं, टावर वैगन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ब्रेक पावर होता है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए न्यूनतम ब्रेक पावर होना चाहिए तो 100% ही होना चाहिए, क्योंकि मालगाड़ी है नहीं इसलिए नहीं हो सकता, तो आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर एम ई का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारी को ऑन ड्यूटी पर हस्ताक्षर करने से पहले ब्रीदर एनालाइज टेस्ट होना आवश्यक है? तो गार्ड और लोको पायलट होता है, ऑप्शन में लोको पायलट नहीं दिया गया है, सिर्फ गार्ड दिया गया है, तो ये आपको गार्ड या स्टेट मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डीजल इंजनों का एक वर्ग है? तो WAM4 जो होता है इलेक्ट्रिक है, WAG7 इलेक्ट्रिक गुड्स है, गुड्स गाड़ी इलेक्ट्रिक है। तो कह रहा है निम्नलिखित कौन डीजल इंजन है, और निम्नलिखित में से कौन डीजल इंजनों का एक वर्ग है? तो WDG3A जो है ये आपका गुड्स का है, क्योंकि डी फॉर डीजल हो जाएगा और ए फॉर एसी हो जाता है, ए फॉर एसी ट्रैक्शन हो जाता है, तो ये सब लिखा है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोचिंग लोकोमोटिव का एक वर्ग है? कोचिंग लोकोमोटिव का एक वर्ग है, तो पी फॉर पैसेंजर लिखा है, WAP4 जो है ये पैसेंजर ट्रेन का गाड़ी है, कोचिंग गाड़ी का इंजन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और जी फॉर गुड्स होता है, ये फॉर मिक्स्ड, यम फॉर मिक्स्ड होता है, और यहाँ पर जी फॉर गुड्स है, तो इसमें सिर्फ कोचिंग का पूछा गया है, तो WAP4 जो है ये आपका कोचिंग गाड़ी कोचिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन का ऑर्डर देते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? लोकोमोटिव की उपलब्धता होनी चाहिए, चालक दल या गार्ड की उपलब्धता होनी चाहिए, पथ भी होना चाहिए, वजन रिपोर्ट है ये नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कह रहा, ट्रेन का ऑर्डर देते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, तो वजन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन, इंटर या जोनल ओडीसी के लिए स्वीकृत प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? तो PCOM होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के दौरान क्लास ए ओडीसी की अधिकतम अनुमेय गति होती है, तो बुक्ड स्पीड या सेक्शनल स्पीड कह सकते हैं, दोनों होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। FOIS का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण संगठन का हिस्सा नहीं है? लोकोमोटिव या लोकोमोटिव पावर कंट्रोलर, कमर्शियल कंट्रोलर
और स्टेशन मैनेजर CNW कंट्रोलर। तो स्टेशन जो मैनेजर होता है वो स्टेशन पे होता है, वो नियंत्रण संगठन का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CKP मंडल का निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन TXR बिंदु नहीं है? तो CKP है, चक्रधरपुर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन CKP डिवीजन और BSP डिवीजन का इंटरचेंज पॉइंट है? तो झारसूगुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल द्वारा अधिकतम टन भार में वहन की जाने वाली वस्तु है? तो यह है कोयला, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। भारतीय रेल द्वारा अधिकतम टन भार में वहन की जाने वाली वस्तु है कोयला है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नॉन इंटरलॉक फेसिंग पॉइंट पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी है? तो 15 KMPH है। यहाँ पर ये सेंट्रल रेलवे में है, 30 KMPH हो चुका है। तो ये सब जगह का अलग अलग रूल होता है हर डिवीजन का, नॉन इंटरलॉकिंग फेसिंग पॉइंट पर ट्रेन की अधिकतम गति। तो ये हर डिवीजन के अलग अलग रूल के हिसाब से है। तो यहाँ आप कह नहीं सकते हैं कि 30 है या 15 है, आप अपने डिवीजन के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोको पायलट को रात के समय ऑटोमेटिक सिग्नल में डेंजर सिग्नल पर कितने समय रुकने की आवश्यकता होती है? तो 2 मिनट रुकने की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी श्रेणी में स्टेशन लाइन को जब तक स्पष्ट नहीं माना जाना चाहिए तब तक कि पिछली पूरी ट्रेन होम सिग्नल से कम 400 मीटर ब्लॉक ओवरलैप पूरी तरह से पार न कर जाए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्या कह रहा है, सी श्रेणी में स्टेशन लाइन को जब तक अस्पष्ट नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि पिछली पूरी ट्रेन होम सिग्नल से कम 400 मीटर ब्लॉक ओवरलैप पूरी तरह पार ना हो जाए, अपनी यात्रा जारी रखें। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ियों के लिए जारी प्रीमियम BPC आमतौर पर कितने दिनों के लिए वैध होती है? तो 12 दिन है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। CKP डिवीजन मुख्य रूप से किस कमोडिटी को लोड करने के लिए जाना जाता है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, CKP डिवीजन मुख्य रूप से किस कमोडिटी को लोड करने के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन वैगन का प्रकार नहीं है? तो सी फॉर क्लोज होता है, तो इसलिए ये ओपन वैगन नहीं है। यहाँ पर ओ लिखा है, ओपन ये भी ओपन है, बॉक्सियन जिसको पहच सकते हैं, BCN है, क्लोज है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रनिंग लाइन का वह भाग जहां कोई अन्य ट्रेन तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि दूसरे स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त न कर ली गई हो कहलाती है? ऑप्शन 22 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक अनुभाग होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्लॉक सेक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटना राहत के लिए 140 टन BD क्रेन CKP मंडल के निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर उपलब्ध है? तो CKP में स्थित है, चक्रधरपुर में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के समय डबल एग्जिट वाली लाइन साइडिंग से ART से निकलने का लक्ष्य समय क्या है? दिन के समय डबल एग्जिट वाली साइडिंग से ART से निकलने का लक्ष्य समय कितना है? 30 मिनट है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रेलवे डिवीजन नहीं है? तो भुवनेश्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है, चक्रधरपुर है, खड़गपुर है और बिलासपुर है, बी नहीं है, भुवनेश्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है, ARME के साथ राहत ट्रेन को चालू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हूटर का क्रम सही है? तो 10 सेकंड के अंतराल में, 60 सेकंड के 5 विस्फोट, ऑप्शन नंबर ए सही है। ARME के साथ राहत ट्रेन को चालू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हूटर का सही क्रम है? 10 सेकंड के अंतराल में, 60 सेकंड के 5 विस्फोट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेन को चालू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हूटर का क्रम सही है? तो 10 सेकंड के अंतराल, 60 सेकंड में 4 विस्फोट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्रेणी बी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ट्रेनों में आग लगना B1 से B4 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NDMA का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये होता है प्राइम मिनिस्टर ये लागू करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LHB का पूर्ण रूप क्या है? तो लिंक हाफ मैन बुश होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे में सुरक्षा की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेलवे सुरक्षा आयोग के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडगेज में लाइनों के बीच मानक दूरी कितनी होती है? तो 1676 mm होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन नवीनीकरण कार्यों के लिए उपयोग किया जाने वाले PQRS का पूर्ण रूप क्या है? तो 34 नंबर का क्वेश्चन था, यह है प्लेजर क्विक रिलेइंग सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है 60 किलोग्राम रेल से आप क्या समझते हैं? तो 1 मीटर में रेल का वजन जो होता है उसे 60 किलोग्राम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना कहा जाएगा जब रेलवे संपत्ति का नुकसान इससे अधिक हो? तो यहाँ पर लाख में दिया है, तो अब हमारे ये 2 करोड़ से अधिक होगा, 2 करोड़ से, 2 करोड़ से अधिक होगा तो रेल संपत्ति का नुकसान गंभीर दुर्घटना माना जाता है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन यार्ड में अधिक ढाल होना चाहिए जब तक विशेष सुरक्षित उपकरण नहीं अपनाए जाते और या विशेष नियम लागू नहीं किए जाते हैं? तो ये है 1 in 4 400, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाहरी स्टाफ सिग्नल से परे लेवल क्रॉसिंग को कहा जाता है? तो इंजीनियरिंग गेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, होम सिग्नल से अगर बाहर रहेगा तो इंजीनियरिंग गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपार को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो TVU, ट्रेन व्हीकल यूनिट से संबोधित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आधार पर वर्गीकृत किया गया है, TVU आधार पर वर्गीकृत किया, ट्रेन व्हीकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेटोनेटर का जीवन काल 8 8 से बढ़ाया जा सकता है सामान्य जीवन की समाप्ति के बाद? तो 3 साल तक, एक एक साल बढ़ा सकते हैं 3 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित सिग्नल का सामान्य पहलू स्वचालित सिग्नल को छोड़कर होता है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही बिंदुओं को सामान्य रूप से निर्धारित किया जाएगा
स्ट्रेट लाइन से, ऑप्शन नंबर ए सही है। सभी बिंदुओं को सामान्य रूप से निर्धारित किया जाएगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल के बारे में पूर्ण चेतावनी की आवश्यकता नहीं होती है जब कभी कॉलिंग ऑन सिग्नल देना होता है तब, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषपूर्ण रिसेप्शन सिग्नल पास करने के लिए अग्रिम प्राधिकार मतलब एडवांस में अथॉरिटी कौन सा दिया जाएगा, तो T3691 दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब IBS चालू पर हो और टेलीफोन खराब हो तो लोको पायलट 5 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद आगे बढ़ेगा जब दृश्यता अस्पष्ट या अस्पष्ट हो, अगले स्टॉप सिग्नल तक की गति से अधिक न हो, तो 15 और 15.8 KMPH, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा सीसी रेट BPC के वैधता कितना होती है, तो 35 दिन और 7500 किलोमीटर जो पहले हो, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए, गैस सामान्यतः मालगाड़ियों को इंजन लगने के बाद शुरू होने में लगने वाला समय से अधिक नहीं हो सकता, लगभग 1 घंटा मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक फील्ड, ब्रेक पावर टेस्ट, प्रेशर आना, लोड चेक करना, तो लगभग 1 घंटा ही लगना होता है, तो हो सकता है हमको डी सही हो सकता है। तो ऑप्शन ये आप 48 नंबर पे क्वेश्चन को देखिएगा, जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ट्रेन किसी स्टेशन पर लोडिंग या अनलोडिंग स्टेशन के अलावा एक से अधिक समय तक खड़ी रहती है तो नए BBC की आवश्यकता होती है, तो अगर यहाँ 24 घंटे से अधिक खड़ी रहती है, 24 घंटे तक रहेगी, तो उसको BPC नहीं आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी 8 पहिया वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो एक मालगाड़ी से अधिक द्वारा नए BPC की आवश्यकता होती है, अगर चार या चार से अधिक करते हैं तो आपको नए BPC की आवश्यकता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TSL कार्य के दौरान पहली ट्रेन की गति कितनी होती है, 25 KMPH होती है और बाद की सामान्य रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधित ब्लॉक खंड में राहत गाड़ी भेजने के लिए अधिकार पत्र दिया जाता है, तो TA602 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, TA602। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर किसी भी ट्रेन को ब्लॉक स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि अग्रिम ब्लॉक स्टेशन से निम्नलिखित प्राप्त ना हो जाए, लाइन क्लियर जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित संकेत की पहचान द्वारा की जाती है, तो ए मार्कर द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक से अधिक विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को ब्लॉक करने को कहा जाता है, इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड टेलीफोन पर ब्लॉक प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत इंजीनियरिंग अधिकारी पद से नीचे नहीं होना चाहिए, तो PWI से नीचे नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक स्टैंडर्ड 4th R इंटरलॉकिंग स्टेशन पर ट्रेन के लिए मेन लाइन पॉइंट पर अधिकतम गति कितनी होगी, 160 KMPH, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक दुर्घटना एक प्रकार का उदाहरण है, तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुक्त यात्रा करने की अनुमति है, 5 वर्ष से नीचे या 5 वर्ष तक के मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 नंबर का क्वेश्चन, राहत लोको ट्रेन की प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ेगा, जो राहत ट्रेन लेकिन 15 अब 10 हो गया है नए सर्कुलर के अनुसार, तो नया रूल आया है, 15 और 10 हो गया, सिर्फ IBS को छोड़कर IBS जो है अगर 8 KMPH हो गए दृश्यता साफ ना होने पर, और सभी 10 हो गए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है ए
आठ 27 64, तो यहाँ पर आठ आठ का क्यूब करेंगे, दो का क्यूब करेंगे पहले, तो 2 2 4 2 8 हो गया, 3 का क्यूब में 3 3 9 3 27 हो गया, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, 5 25 5 125। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन गिवन फ्रैक्शन, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको बताना है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है, तो अगर ऐसे ना समझ में आए तो 1/2 लिखिए, 2/3 लिखिए, 3/4 लिख लीजिए, और 1/4 लिखिए। अब इसका नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 3 12, एलसीएम लिखें तो 4 3 12, अब यहाँ भी 12 करिए, 4 संख्या है तो 12 12 कर लीजिए। अब यहाँ से देखें, 1 है, अगर 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 से भाग देंगे इसमें 12 में तो 3 चौक 12, 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है पहले से, तो 2 का गुणा हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 4 का है, 4 3 12, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 ऑलरेडी पहले से 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है, तो 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से भाग देंगे 4 4 3 12 3, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो 1 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर। अब तो इसका देख लें, समझ गए होंगे, 1/4 तो कह रहा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो 1/4 छोटा फ्रैक्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे एलसीएम लीजिए, खर्च पता चल जाएगा आपका तुरंत आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 1.5 1.5 1.5 मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये 15 में 15 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1.5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ ये देख सकते हैं कि 3 अंक के बाद दशमलव लगा, 1 2 3, यहाँ 3 1 1 अंक बाद दशमलव लगा तीनों में, तो 3 अंक के बाद दशमलव देखेंगे किस में लगा हुआ, देखिए यहाँ पर नहीं लगा हो तो ये गलत हो गया, यहाँ पर 4 अंक के बाद लगा तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर देखेंगे ये 2 अंक के बाद लगा तो ये भी गलत, तो ऑप्शन ये आपका वैसे ही पता चल गया कि ये सही है। अब इसका हम 225 में 115 का गुणा करेंगे तो 3 3 7 5 आ जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 64 नंबर का क्वेश्चन है, 55 32 78 और 13, तो इसमें गुणा कर जोड़ने के लिए कहा गया, तो सभी जोड़ेंगे, तो 55 32 और 13 का अगर हम दोनों को सभी को जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा, और 78, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 22। 10 माह से 8 गए 2, 9 माह से 7 गए 2, आंसर नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है जो किसी से ना कटे, तो देखिए यहाँ 3 से ये कट जाता है, 3 अंक 3, 3 से ये भी 81 कटेगा और 93 भी कट जाएगा, 97 किसी से नहीं कटेगा तो 97 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप अरे विषम संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ विषम संख्या हम निकालेंगे, विषम संख्या 11 हो गया, 12 नहीं रहेगा 13 रहेगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, हमको इसके बीच में निकालना है विषम संख्या, तो विषम कौन सा है आपका, 11 है, 13 है, 15 है, 17 और 19, तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्या को अगर 0 लास्ट में मिले या 5 मिले, तो इन दोनों में से कोई भी मिल जाएगा तो वो 5 से विभाज्य है, तो देखेंगे ऑप्शन में 1 है तो ये नहीं होगा, 6 है नहीं है लास्ट में, लास्ट का संख्या देखेंगे, इसमें देखिए 5 है लास्ट में,
तो ये सही हो सकता है, यहाँ 6 है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 625 5 से डिवाइड हो गया। यदि और 0 होता है तो दो ऑप्शन पे चेक करना पड़ता है, तो इसमें 5 एक में है तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 30% ऑफ 5760 इन क्या होगा, तो इसको 3% गुणे 5760, 3/100, 30/100 होगा गुणे 5760, दो जीरो नीचे और दो जीरो ऊपर काट देंगे, और 3 का 5760 का गुणा कर लेंगे तो 1728 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ एक है, यहाँ पर देखेंगे ब्लैक लाल, यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर 3 और 5 दो का अंतर है, यहाँ पर भी दो अंक का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो 7 4 का अंतर है, फिर इसके बाद में यहाँ दो का अंतर है, इसका मतलब आगे भी यहाँ पर दो का अंतर आ जाएगा, तो 15 अंतर नहीं जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, क्या करेंगे पहले 69 नंबर का क्वेश्चन है, 2 3 5 7 11 13 दिया गया, तो क्या करेंगे इसको, तीन में एक, दो में एक जोड़ा एक हुआ, दो में पांच, दो जोड़े पांच हो जाए, इससे फिर जोड़ेंगे दो, इसमें अब 4 जोड़ा गया तो एक ही 4 जोड़ा, उसके बाद में 2 जोड़ा गया तो आगे भी 2 ही जोड़ा जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, थर्टी नाइन बटे 13 प्लस 10 गुणे 8 गुणे 10, 13 तिया 39 हो जाएगा, 3 तो 3 प्लस 10 प्लस, ये प्लस है, 8 दहम 80 या 90 प्लस 3 बराबर 93, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ जोड़ना ही है, 1005 प्लस यहाँ 500 में से 10 घटा देंगे तो 490 हो जाएगा, और -80, फिर 490 में से 80 घटा देंगे तो ये हो 410 हो गया। अब इन दोनों को सभी को जोड़ लीजिए, ये 5 हो गया, 1 4 1, ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर 48/12 प्लस 4 गुणे 25/5, 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा, 12 4 48 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 4 5 20 दोनों जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 24, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधे सभी को जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 3702, 3 3 3, फिर 3 बार फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 बार 3 लिखेंगे, तो देखिए 3 चौक 12 फिर 2 और 1 2 3, 3 3 9 हो गया, 9 1 10, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे 3 3 6 1 7 और यहाँ 3, सभी को जोड़ लिया तो 3702 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74 नंबर को, इसको भी सभी को जोड़ना ही है, पहले माइनस वाला जोड़ लीजिए जो आपको सुविधा हो उसको जोड़ लीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है 749 और ये माइनस वाला दोनों जोड़ेंगे, तो ये जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 549, 449 हो जाएगा, नीचे भी जो घटा दीजिए 1250 में से 1100 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, इसको घटा लेंगे तो 300 हो जाएगा, बटे 150 काट देंगे 2 से, 150 × 300 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, यहाँ बाई हाउ मच 2 2/5 आप 20
200 ग्रेटर ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 125। तो इसमें कह रहा है 200 का 200 का 2/5 125 के 3/5 से कितना अधिक है। तो हम पहले 2/5 गुणे 200 का पहले सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटे 5 चौक 20, 4 दूनी 8 80, 100 हो गया, 80 हो गया। और ये होगा 3/5 गुणे 125, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 25, 25 तिया 75। अब 80 में से क्या करेंगे, 75 घटा देंगे, बराबर 5। तो कह सकते हैं कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर है आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधे जोड़ लेना है सभी को। यहाँ पर जोड़ेंगे सभी को तो आ जाएगा 37.29। यहाँ पर कौन कौन सा जो है 34.34.36 और 86.56, वो जोड़ लेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 120.92। और इसको देखिए ये माइनस वाला है, इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो गया 45.67 और 37.96, इसको जोड़ लेंगे तो 8363 आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन मार्क लिखा है तो यक्स हो जाएगा। इसको बीच में इसको अब इधर ट्रांसफर कर देंगे, 120.92 में से 83.63 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2937, यक्स बराबर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना 180 है और अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 180 का फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। फैक्टर कर लीजिए, किसे 3 से काटिए, 3 6 18, फिर 3 से काट दीजिए, ये 3 2 6 20 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, अब 2 से काटिए, 2 10, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 5, फिर 5 से काट दीजिए। अब देखिएगा हमको क्या अंतर 3 लाना है, तो कौन कौन से है, 3 4 3 12 लीजिए और 5 3 15 ले लीजिए, ये हो गया। तो 12 और 15 अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और भी तरीके हैं सॉल्व करना, कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे 3 6 9 12 15, तो यहाँ लास्ट में 18 हो जाएगा। 3 3 6 3 9, फिर 3 आए 12, 3 15, 3 3 ही जोड़ा गया है और ये 3 18, 3 3 सभी में जोड़ा गया है तो 18 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी ने एक साड़ी 200 रुपये में खरीदा और 150 में बेची, उसकी हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका यहाँ सीपी जो दिया है, कास्ट प्राइस जो दिया गया है 200, और सेलिंग प्राइस जो है आपका दिया है 150। फार्मूला लगा देंगे हान परसेंटेज का, लॉस बराबर या हानि बराबर, हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा। सीपी इंटू 100/ हानि, लॉस प्लस 100, इसको रखेंगे तो सीपी कितना है 200, और आपका 200 यहाँ हो जाएगा, अरे सॉरी फार्मूला गलत लगती है, यहाँ पर 50 होगा।
यहाँ पर सी पी बराबर हो जाएगा 200 दिया गया है। रजनी ने एक साड़ी 200 रुपये में खरीदा और 150 में बेची, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सीपी आपका है 200 और सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है कितना, 150। अब इसको हम लॉस बराबर कर सकते हैं, सीपी माइनस पीएसपी, यहाँ हो जाएगा 200 माइनस 150 बराबर 50 रुपये का हानि हुआ। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो लॉस बराबर लॉस गुणे 100 बटे सीपी, ये फार्मूला होता है, एल फॉर लॉस कर सकते हैं। 50 गुणे 100 बटे 200, दो जीरो नीचे दो जीरो ऊपर कटाएंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो लॉस कितना हुआ आपका, 25% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक साइकिल को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य तो एक फार्मूला था, सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटे लाभ प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100, तो एस पी लिख दीजिए। यहाँ एस पी कितना है, 330 है गुणे 100 बटे लाभ कितना है, 10% और गुणे प्लस 100 बराबर हो जाएगा 330 गुणे 100 बटे 110। 110 103 काटेंगे तो 3 बार जाएगा, बराबर हो जाएगा 300। तो ऑप्शन नंबर है आपका सी सही। तो आपका सीपी है, कास्ट प्राइस कितना था, 300 रुपये। 81 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मामूली जुर्माना लगाने के लिए किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो SF 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LAP एक रेल सेवक को दिन की दर से जमा किया जाता है, तो 1.5 दिन प्रतिमाह, 1.5 दिन के लिए, 2 सही 1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में LHAP के कितने दिन कर्मचारी को जमा किया जा सकता है, तो 20 दिन एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृत्व अवकाश के लिए अनुमेय दिनों की संख्या होता है 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम श्रेणी ए पास का रंग होता है सफेद होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निलंबन के निस्तारण के लिए किस प्रपत्र संख्या का प्रयोग किया जाता है, SF 4 का, ऑप्शन नंबर डी सही है। एक विशेषाधिकार पास PTO के लिए देर से वैधता होती है 5 मंथ, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PTO के कितने सेट रेलवे कर्मचारी को जारी किए जाते हैं, तो नियुक्ति की तारीख से हर साल राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों के लिए 4 सेट, ऑप्शन नंबर बी सही है। सेवा के कितने वर्ष पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद मानार्थ पास दिए जाएंगे, 20 साल, ऑप्शन नंबर ए सही है। कितने जीवित बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता अनुमेय है, 2 बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। लिखा, भारत के रेल मंत्री कौन थे, अश्विनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओडिशा का वारविल क्षेत्र किस वस्तु के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, झारखंड की राजधानी कौन सा है, रांची है, ऑप्शन नंबर ए बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चक्रधरपुर मंडल से होकर गुजरती है, तो स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर डी सही है। झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन सा है, तो बिरसा मुंडा है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन चक्रधरपुर मंडल में नहीं आता है? तो खड़गपुर नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। राउरकेला, टाटा नगर, झारस सुगुड़ा, तो ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस शहर में इस्पात संयंत्र नहीं है? धनबाद में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही। चक्रधरपुर संभाग का सरडेगा क्षेत्र किस वस्तु की लदान के लिए प्रसिद्ध है? ये भी कंफर्म नहीं है, 100 नंबर का कंफर्म नहीं है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है? अनुच्छेद 351। भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों व राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कार्यालय का प्रशासनिक, ऑप्शन नंबर आपका घा सही है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 नंबर का क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 किस धारा के अंतर्गत आता? धारा 4 के अंतर्गत आता, ऑप्शन नंबर सी सही है। संसद के दोनों सदनों राजभाषा संकल्प वर्ष किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1968 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। रेलवे बोर्ड द्वारा काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा अधिनियम 1976 के संदर्भ में भाषाई क्षेत्र के हिसाब से अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो का क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार 5 के अंतर्गत प्रावधान है? राजभाषा आयोग, तो अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना, हिंदी में पत्र उत्तर हिंदी में देना, अभी कंफर्म नहीं है, अभी 108 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। राजभाषा आयोग किस माह में मनाया जाता है? तो सितंबर आयोजन, राजभाषा आयोजन किस माह में मनाया जाता है? तो सितंबर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा की संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है, ऑप्शन नंबर आपका बी सी सही है।